स्वागत हो रहा है। अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बुलंदशहर में नेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा रोटरी क्लब खुर्जा द्वारा संचालित आई केयर मूलचंद नेत्र चिकित्सालय के सौजन्य से निशुल्क शिविर का आयोजन सुभाष रोड स्थित रमापूर्ति हरस्वरूप सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज में किया गया। इस अवसर में चिकित्सालय के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीके सिंह, डॉक्टर आकाश कुमार द्वारा बच्चों के नेत्रों की जांच की गई तथा उचित परामर्श दिया। मैंने यहाँ पे पाया हुआ है कि बच्चों को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसके लिए आप रिकमेंड कीजिएगा सभी को कि दूध और दही देखिए निरात में खाने में सभी के लिए, ताकि कैल्शियम की पूर्ति रहे बच्चों के लिए। कितने बच्चों की जांच हुई है? यहाँ लगभग 200 बच्चों की जांच हुई है। 200 बच्चों की? कितनी क्लास से कितनी क्लास तक? 9 से लेकर के 10 तक के सभी बच्चों की यहाँ पे आपने चेकिंग की और साथ में स्टाफ की भी चेकिंग की। ये आज हम नेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा नेत्र जांच शिविर लगाया गया, इसमें रोटरी क्लब द्वारा संचालित खुर्जा का आई केयर मूलचंद हॉस्पिटल के चिकित्सकों का हमें सहयोग मिला और यहाँ पर कैंप लगाया गया। इस कैंप के दौरान लगभग 200 से 250 बच्चों की निःशुल्क जांच की गई, उन्हें परामर्श दिया गया, उनके लिए दवाइयाँ चिकित्सकों द्वारा दी गई। बच्चों को और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बच्चों और जनता को संदेश यही देना है कि भाई आंखों की आप विशेष ध्यान रखें। आंखें शरीर का सबसे बहुमूल्य, वैसे तो सारे अंग बहुमूल्य है लेकिन शरीर का सबसे बहुमूल्य अंग है आँख। आँखों की केयर करना बहुत जरूरी है और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनमें अधिकतर कैल्शियम की कमी हो जाती है क्योंकि वो दूध के प्रति ज़्यादा लगाव नहीं होता उनको, तो दूध दही हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें जिससे वो और समय समय पर आंखों की जांच कराते। देखिए कैंप बहुत ही अच्छा रहा, सफल रहा। अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है कि 200 और 250 के बीच में इसमें बच्चों का इसमें निरीक्षण किया गया और लगभग 25 से 30 बच्चे ऐसे थे जिसमें रिफ्रैक्टिव रहा थी जी, जिनको चश्मे की ज़रूरत थी या चश्मे के अलावा पर्दे की कोई दिक्कत हो जी, उनको हम लोगों ने अपने अस्पताल में रेफर कर दिया है और वहाँ पर दवा डाल के उनकी जाँच करी जाएगी, उसके बाद पता लगा जाएगा क्या नंबर है या क्या बीमारी है अभी। तो सर जो बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सबसे पहला जरूरी है कि बच्चों को आजकल मोबाइल फ़ोन से बहुत दूर रहना चाहिए, जिनका अभी उनके लिए कोई यूज़ नहीं है। मोबाइल यूज़ करने से ज़्यादातर बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर बढ़ रही है और नई नई बीमारियाँ बढ़ रही हैं। खुर्जा से सीनियर संवाददाता जयप्रकाश राघव की रिपोर्ट। अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 250 बच्चों की निशुल्क जांच की गई। शिविर हम नेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा रोटरी क्लब खुर्जा द्वारा संचालित आई केयर मूलचंद नेत्र चिकित्सालय के सौजन्य से सुभाष रोड स्थित हरस्वरूप सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। इस अवसर में चिकित्सालय के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीके सिंह, डॉक्टर आकाश कुमार द्वारा बच्चों के नेत्रों को जांच की गई तथा उचित परामर्श दिया गया। इस मौके पर बच्चों को नेत्र व्यायाम करने की विधि को चिकित्सकों द्वारा बताया गया तथा दूध दही व हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन करने का विशेष जोर दिया। ये आज हम नेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा नेत्र जांच शिविर लगाया गया, इसमें रोटरी क्लब द्वारा संचालित खुर्जा का आई केयर मूलचंद हॉस्पिटल के चिकित्सकों का हमें सहयोग मिला और यहाँ पर कैंप लगाया गया। इस कैंप के दौरान लगभग 200 से 250 बच्चों की निःशुल्क जांच की गई, उन्हें परामर्श दिया गया, उनके लिए दवाइयाँ चिकित्सकों द्वारा दी गई। बच्चों को और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बच्चों और जनता को संदेश यही देना है कि भाई आंखों की आप विशेष ध्यान रखें। आंखें शरीर का सबसे बहुमूल्य, वैसे तो सारे अंग बहुमूल्य है लेकिन शरीर का सबसे बहुमूल्य अंग है आंख। आंखों की केयर करना बहुत जरूरी है और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनमें अधिकतर कैल्शियम की कमी हो जाती है क्योंकि वो दूध के प्रति ज़्यादा लगाव नहीं होता उनको, तो दूध दही हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें जिससे वो और समय समय पर आंखों की जांच कराते हैं। धन्यवाद सर। लकी सर, जैसे कि आप उपाध्यक्ष हैं तो आप क्या कहेंगे? मैं कहना यही चाहूँगा कि आज रमामूर्ति में जो आई केयर हॉस्पिटल द्वारा ये शिविर आंखों के लिए जो आयोजित किया गया है, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट सोसाइटी द्वारा,
ये बहुत ही अच्छा सबसे पहले तो एक पहल है और धन्यवाद उन सभी स्टाफ के लिए जो रमा मूर्ति का स्टाफ है। और मैं कहना यही चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने आकाश जी ने जांच की है बच्चों को, यही उन्होंने मोटिवेट किया है उन्होंने। इस मौके पर हम नेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन सिसोदिया ने बताया, संस्था समय समय पर इसी प्रकार के जनहित में शिविर लगाती रहती है। ये कैंप बहुत ही अच्छा रहा, सफल रहा। अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि 200 और 250 के बीच में इसमें बच्चों का इसमें निरीक्षण किया गया और लगभग 25 से 30 बच्चे ऐसे थे जिसमें रिफ्रैक्टिव रहा थी जी, जिनको चश्मे की ज़रूरत थी या चश्मे के अलावा पर्दे की में कोई दिक्कत हो जी, उनको हम लोगों ने अपने अस्पताल में रेफर कर दिया है और वहाँ पर दवा डाल के उनकी जाँच करी जाएगी, उसके बाद पता लगा जाएगा क्या नंबर है या क्या बीमारी क्या है। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य संजू सिंह सिसोदिया ने हम डेवलपमेंट सोसाइटी के सभी पदाधिकारी और सदस्य का आभार व्यक्त किया। लगभग 200 बच्चों की जाँच, 200 बच्चों की, कितने क्लास से कितने क्लास तक की? 9 से लेकर इंटर तक के सभी बच्चों की यहाँ पे आप चेकिंग की और साथ में स्टाफ की भी चेकिंग की। क्या आप चाहेंगे कि भविष्य में भी इस तरह के शिविर आपके विद्यालय में आयोजित हो? बहुत जरूरी है, ये बच्चों के लिए पहले से पहले बता दिया जाए कि उनकी केयर आप उनकी कैसे की जाए, अगर बच्चों को पहले समय रहते ही समय पता चल जाए। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज़।